भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि इन पांच परिस्थिति में मनुष्य को पाप करना चाहिए। दर्शक बंधुओं, भगवान ने किस पाप के बारे में कहा है और वो पाप कब और किस परिस्थिति में करना चाहिए? कौन सा वो पाप है जिसके करने से पाप नहीं लगता, उल्टा पुण्य मिलता है? तो आइए इस ज्ञानमय ही कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। पूर्व काल की बात है, किसी गांव में एक शिकारी ब्याद रहता था जिसका नाम बलाक था। उसका एक ही काम था, जंगली पशु पक्षियों को मारकर अपने परिवार का पोषण करना। वो अपनी पत्नी और बच्चे की जीवन की रक्षा के लिए जंगल में जाकर मृग आदि जीवों की हत्या करता था। उसके वृद्ध माता पिता, पत्नी और बच्चे सब उस पर ही आश्रित थे। जब वो किसी जीव को मारकर लाता था तभी उनका पेट भरता था। किसी किसी दिन उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। जीवों को मारकर परिवार को जीवित रखना ये उसकी मजबूरी थी, वरना वो किसी शौक में जीव हत्या नहीं करता था। उसकी एक अच्छी आदत भी थी, वो सदा अपने धर्म में लगा रहता था, हमेशा सत्य बोलता था, कभी किसी की निंदा नहीं करता था। मित्रों, एक दिन वो शिकार की तलाश में वन में भटक रहा था। बहुत इधर उधर खोजने के बाद उसे उस दिन कोई शिकार नहीं मिला। तभी उसकी दृष्टि एक नदी किनारे पानी पीते एक शिकारी जानवर पर पड़ी जो आंखों से अंधा था। वो जानवर नाक से सूंघकर ही आंखों का काम करता था। दोस्तों, बलाक ब्याद ने ऐसा जानवर आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो बड़ा ही खूंखार और भयानक आकृति वाला था। शिकारी ने उस भयानक जानवर को अपने बाणों से बीन डाला, उसका प्राणांत हो गया। उस अंधे जानवर के मरते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्याद को ले जाने के लिए तुरंत आकाश से एक स्वर्ग का विमान आया। उस विमान में सुंदर सुंदर अप्सराएं नाच गान कर रही थी। शिकारी ने देवदूतों से पूछा कि यह विमान किसके लिए आया है। देवदूतों ने कहा, हे ब्याद, देवराज इंद्र ने यह विमान तुम्हें स्वर्ग में बुलाने के लिए भेजा है। बलाक बड़ा आश्चर्य में था कि उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो वो स्वर्ग जाने का अधिकारी हो गया। वो नित्य प्रति ऐसे जीवों की हत्या करता रहता है और शास्त्र ये कहते हैं कि जीव हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता, फिर मेरे लिए स्वर्ग का विमान क्यों आया? तब देवदूतों ने बताया, हे व्याध, जिस शिकारी जानवर को तुमने मारा है इसने पूर्व जन्म में तप करके संपूर्ण प्राणियों को मार डालने के लिए ब्रह्मा से वर लिया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने इसे वरदान तो दे दिया पर इसे साथ ही साथ अंधा भी बना दिया ताकि ये इसे कुछ दिखाई ना दे और ये किसी जीव को ना मार पाए। ये क्रूर पशु समस्त जीवों को मारने के लिए ही पृथ्वी पर आया था। आज तुमने उसे मारकर न जाने कितने लोगों को मरने से बचाया है। तुमने हिंसा तो की है पर सबके कल्याण के लिए, यह हिंसा ठीक है, इसलिए तुम्हें लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया है। दर्शक बंधुओं, वो ब्याध हिंसा करके भी स्वर्ग लोक में चला गया। कहते हैं यदि आपके अनुचित कार्य से भी सबका हित होता हो तो आपका वो कार्य भी पुण्य देने वाला बन जाता है। इसीलिए कहते हैं धर्म के स्वरूप को समझना बड़ा कठिन है। इसी तरह की एक घटना और मैं बताता हूं। किसी आश्रम पर एक कौशिक नाम का तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वो नगर से बाहर दो नदियों के संगम पर कुटी बनाकर रहता था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसने एक व्रत ले लिया था कि मैं अपने मुख से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लोग उसे सत्यवादी कहकर बुलाते थे। एक दिन की बात, कुछ लोग डाकुओं के डर से छुपने के लिए उसी आश्रम के समीप वाले वन में आकर छुप गए। डाकू भी उनका पीछा करते करते कौशिक मुनि के आश्रम पर आ पहुंचे। डाकुओं ने सत्यवादी कौशिक से पूछा,
हे भगवान, अभी अभी बहुत से लोग इसी रास्ते से आश्रम की ओर आए थे, क्या आपने उन्हें देखा है? यदि आपने उन्हें देखा हो तो हमें बता दो। दर्शक बंधु, डाकुओं के पूछने पर कौशिक ने सच्ची सच्ची बात उन्हें बता दी कि बहुत से लोग आश्रम के पीछे वाले वन में छुपे हुए हैं। डाकू उन लोगों को ढूंढते हुए उनके पास जा पहुंचे और उन्हें लूटकर उनकी हत्या कर डाली। मित्रों, एक तपस्वी के सच बोलने के कारण उन निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस सच बोलने वाले उस सत्यवादी ऋषि को घोर पाप लग गया और मृत्यु के बाद उसे अत्यंत दुखदाई नरक की हवा खानी पड़ी। दर्शक बंधुओं, कौशिक सत्यवादी तो था और होना भी चाहिए, पर वो धर्म के सूक्ष्म रूप को नहीं जान पाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने शास्त्र बहुत कम पढ़े हैं, जो गंवार है, धर्म के विभाग को ठीक ठीक नहीं जानता है, उसे चाहिए कि वो अपने से बड़े या ज्ञानी जनों से अपने संदेह के बारे में पूछे। जो नहीं पूछता है वो महान नरक का भागी बन जाता है। मित्रों, जो कर्म अहिंसा युक्त है वही धर्म है। हिंसकों को हिंसा से रोकने के लिए ही धर्म की व्याख्या की गई है। धर्म ही प्रजा को धारण करता है और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं। जिसमें किसी जीव की हिंसा ना की जाती हो वही धर्म है। बहुत से लोग स्वयं तो अन्यायपूर्वक किसी का धन छीन लेने की इच्छा रखते हैं और दूसरों को सच बोलता हुआ देखना चाहते हैं, उन डाकुओं की तरह, जो खुद तो पाप कर रहे थे पर तपस्वी से सच बोलने की आस लेकर आए थे। उस जगह अगर तपस्वी झूठ बोल जाता तो उसे झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, क्योंकि पूछने वाले तो स्वयं पापी थे और वे पाप करने के लिए ही पूछ रहे थे। जिस झूठ में धर्म की, जीव की रक्षा हो रही हो तो वहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, उल्टा पुण्य ही मिलता है। किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दें, परंतु उसकी हिंसा ना होने दें। जहां सत्य बोलने का परिणाम असत्य होता हो वहां सत्य नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं, वैसे तो इन पांच स्थानों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, उल्टा पुण्य मिलता है। नंबर एक, विवाह काल में, शादी विवाह के अवसरों पर थोड़ा बहुत झूठ चलता है, क्योंकि उस झूठ से किसी की हिंसा नहीं होती बल्कि किसी का घर बसता है, जीवन की वृद्धि होती है। उस झूठ का परिणाम पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। नंबर दो, स्त्री प्रसंग के समय झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। नंबर तीन, किसी के ऊपर प्राणों का संकट आ जाए उस स्थान पर अगर झूठ बोल दें तो पाप नहीं लगता। नंबर चार, जहां सर्वस्व लुटता हो वहां भी झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। नंबर पांच, धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। दर्शक बंधु, जब किसी का सर्वस्व छीना जा रहा हो तो उसे बचाने के लिए झूठ बोलना ही कर्तव्य है। वहां असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो जाता है। जो मनुष्य वहां भी सत्य कह देता है ऐसे मनुष्य को बुद्धिजीवी मूर्ख समझते हैं। दर्शक बंधु, एक बार फिर समझे, प्राण संकट में, विवाह में, समस्त कुटुंबियों के ऊपर प्राणों का संकट बनने पर, हंसी मजाक में, स्त्री प्रसंग के समय बोला गया असत्य असत्य नहीं माना जाता। जहां चोर डाकुओं के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाकर छुटकारा मिलता हो तो वहां झूठ बोलना ही ठीक है, इसी को बिना विचारे सत्य समझना चाहिए। जहां तक वश चले लुटेरों से अपने धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पापियों को दिया गया धन देने वाले को दुख देता है, उसे पाप का भागी बनाता है। दर्शक बंधुओं, में उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई बातें
आपने ध्यान से सुनी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।